हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर आज मैं एक नई वीडियो लेकर जी हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि बाबर द्वारा कौन से युद्ध लड़े गए थे, किस समय में लड़े गए थे, ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लेता है, तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको ये समस्या से आज हम छुटकारा दिलाने वाले हैं। जी हाँ, बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कब लड़े गए हैं, ये प्रश्न में अक्सर पूछता रहता है। तो आप क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे, इसी चीज़ को आज हम बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगी ट्रिक। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, ध्यान रखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। बाबर की बात है तो 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, आपके लिए ट्रिक क्या होगी। बाबर ने 26 में पानी पिया, यानी कि यहाँ पे हम 1526 की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 26 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद 27 में खाना खाया, पहले पानी पिएगा, फिर 27 में खाना खाया। तो देखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, अब 28 में क्या होगा, चल दिया। 28 में क्या हो जाएगा, चल दिया। 29 में घर गया, 29 में घर गया। 30 में मर गया। तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। अब देखिए, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चला, फिर घर पहुंचा, फिर मर गया। यानी कि घर में पहुंच के हर कोई अपने घर में मरना चाहता है, तो बाबर भी बाहर से पानी पिया, खाना खाया, घर के लिए निकला, घर पहुंचा, मर गया। ये आपको ट्रिक है। अब ये 26, 27, 28 क्या है, ये 26 ईस्वी की बात नहीं है, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं 26 में, तो 1526 की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहली चीज क्या हो जाएगी, 1526 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। 26 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानी से क्या हो जाएगा, पानीपत का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था, वर्सेस इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था। पहला सहसा के सुल्तान था जो युद्ध स्थल पे मारा गया था। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, इब्राहिम लोदी। तो पहला शासक था जो युद्ध स्थल पे मारा गया था, ये यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। 1526 में बाबर ने हरा के भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। ये लाइन में जो बोल रहा हूँ उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से प्रश्न कभी भी बन सकता है। अब 27 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1526 की बात हमने कर ली, 27 की बात अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। 27 में कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, खाना खाया, यानी कि खाना खाया से खानवा का युद्ध। का युद्ध 28 में क्या हो जाएगा आपका, 28 में आपका चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध। याद रखिएगा, 29 में घाघरा या घग्घर का युद्ध, घाघरा या घग्घर का युद्ध, घग्घर का युद्ध। अब 30 में क्या हो जाएंगे, बाबा जी टपक जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। 30 यानी कि हम 1530 की बात कर रहे हैं, 1530 में मर गया।
तो ये रहा, ये सारे हम 1500 की बात कर रहे हैं, आगे 15 लगा दीजिएगा आप सभी में। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रहे, काबुल जो बाबर था उसको काबुल में दफनाया गया था, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। अगर आपने देखा नहीं है कि कौन कहाँ पे दफनाया गया था, ये चीज आपको याद रखने हैं, तो हमने एक वीडियो दे दी है, आप जाके आई बटन पे वीडियो पा के देख लीजिएगा। यहाँ पे है हमारी या प्ले लिस्ट पे आप जाके, अगर आई बटन पे नहीं मिलते तो प्ले लिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। क्या हो गया, 26 में पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध, 1528 में यानी कि चल दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध, 1529 में घर गया यानी कि घग्घर का युद्ध, और 1530 में मर गया यानी कि 1530 में बाबर मर जाएगा। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं जो है किसपे गद्दी पे बैठता है, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बना। तो ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी, ये हमने आपको बता दी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो